हेलो एवरी वन वेलकम टू तथास्तु आई मेरा नाम है खुशबू एंड आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हम लोग ऑब्वियस सी बात है डेली करंट अफेयर्स एम सी क्यूज सो एज ऑफ नाउ आप सभी लोग को तो टाइम का भी पता चली गया होगा क्या है एंड ऑल सो जब कभी भी एक चीज़ हाँ इन्फॉर्मेशन आपके लोगों के लिए कि जब कभी भी जो हमारा करंट अफेयर्स का टाइमिंग है उस टाइम अगर कोई लाइव सेशन होता है तो करंट अफेयर्स जो टाइम है वो एक घंटे आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ओके सो डोंट वरी कि करंट अफेयर्स आज तो अपलोड हुआ ही नहीं करके इट विल बी अपलोडेड एवरी डे अंटेल में अगर बीमार पड़ जाऊं तो वो अलग सिचुएशन है सो so आज है एट ऑफ जून एंड हम कवर करने वाले हैं एम ऑब्वियसली एनालिसिस तो है नहीं

डिस्टिंगशन इन स्पेनिश ड हाइएस्ट डिस्टिंक्शन इन डच डांस ताल से ताले मिला ले <laughs> तो कौन सा जो है इसको ये स्पिनोजा प्राइज जो है वो किस चीज से रिलेटेड है दिस इज क्वाइट इजी सो इट इज रिलेटेड टू द डिस्टिंक्शन हाइएस्ट डिस्टिंगशन इन डच साइंस ठीक है ये डच साइंस से रिलेटेड है एंड इसको नोबेल प्राइज के तौर पर भी देखा जाता है इन डच डच में जो नोबेल प्राइज दिए जाएंगे तो उसका एक डिफरेंट नेम जैसे नोबल प्राइज पूरे वर्ल्ड के लिए वैसे डच वालों के लिए जो ये नोबल प्राइज हो गया स्पिनोज़ा प्राइज जो है वो इनको मिला है अभी रिसेंटली जोईता गुप्ता जी को तो इसलिए दिस पर्टिकुलर प्राइज इज इन न्यूज ना लेट्स कवर द नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू स्टील इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री को रेफर करते हुए यहाँ पे जो है कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए बात आती है तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट की पोजिशन पे है सरपासिंग जपैन इन ट्वेंटी छत्तीसगढ़ इंडिया में छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है स्टील के मामले में स्टील सेक्टर इज नॉट अ डी कार्बोनाइज सेक्टर इन द कंट्री तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए कितने स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है नया पैटर्न है ये उसी के बेसिस पे क्वेश्चन बने हुए हैं सो ओवर छत्तीसगढ़ नहीं है आंसर क्या है उसका ओडिशा करेंटली इंडिया डेफिनेटली सेकेंड नंबर पर आता है स्टील प्रोडक्शन की जहां पर बात आती है एंड ये डी कार्बोनाइजेशन होती है सो डी कार्बनाइजेशन इन स्टील सेक्टर इन ऑर्डर टू प्रमोट डी कार्बोनाइजेशन इन स्टील सेक्टर यूनियन मिनिस्टर तेरह टास्क फोर्स जो है वो मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी क्या किए हुए हैं बनवा दिए हैं ताकि इस पॉइंट को किस तरीके से अचीव किया जा सके क्या क्या किया जा सके उन सारी चीजों को रिलेटेड जो है काम कर सकेंगे सो so, ये इसका सोर्स क्या है दैट इज दी आई पी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ठीक है सबसे ज्यादा नंबर जो है इसी को आए हैं सबसे ज्यादा मार्क्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटॉन्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड हैज अ पॉजिटिव चार्ज बहुत बेसिक सा क्वेश्चन जो कि आप स्कूल में भी कवर किए होंगे साइंस में नेक्स्ट इज आउटसाइड ऑफ द एटम्स न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स डाटा चार्ज नेगेटिवली आर फाउंड थर्ड इज न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज एंड आर लोकेटेड इन द न्यूक्स ऑफ एन एटम न्यूट्रॉन्स के कोई भी चार्ज नहीं होते हैं एंड वो कहाँ मिलते हैं न्यूक्लियस एटम के न्यूक्लियस में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ऑल ओवर अगेन ये जो है हिक्स बोजॉन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन सो प्रोटॉन्स जो हैं सो so, यहाँ पे जो है आंसर थ्री इट मीन ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो इसमें कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं है जिसको स्पेसिफिकली आपको दिमाग लगाने की जरूरत है कि हाँ इसमें से क्या गलत होगा सारे ही सही हैं सो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट यहाँ पर एंड इसका जो टॉपिक है मतलब क्या कंटेक्स्ट है दैट इज द देस बुजॉन डिके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हीम सागर फजली लक्ष्मण भोग भोग इस ये जो वराइटीज यहाँ पर दी हुई हैं हिमसागर, सागर फजली एंड लक्ष्मण भोग इसमें से ये किसकी वैरायटीज़ हैं मैंगोज के हैं आम ऑरेंजेस, व्हीट या फिर गुआवा किसके ये वैरायटीज़ हैं इट इज क्वाइट इजी रिसेंटली अभी ममता बनर्जी जो है उन्होंने पीएम को और प्रेसिडेंट को ये आम भेजे थे एंड दिस वाज ऑब्वियसली डन इन ऑर्डर टू प्रोमोट आम को प्रमोट करने के लिए उनकी अपनी uh, Uh, मतलब बंगाल की जो टॉप वेराइटीज है उसको प्रमोट करने के लिए शी हैज हैजिन कंटिन्यूइंग दिस प्रैक्टिस फॉर सो मेनी ईयर्स फॉर सेवरल ईयर्स एंड जब ये एक ऐसी टाइप की कोई काम होती है तो ऑबियसि बात है जो लोग हैं वो सुनेंगे जानेंगे और तो प्राइम मिनिस्टर को ही गए हैं ये प्रेसिडेंट को इस तरीके से आम गए वी वुड ऑल्सो लाइक टू हैव इट तो लोगों लोग जो है वो डिमांड करेंगे उस चीज की राइट सो सिंपल सी चीज है सो so, ये एक तरीके से प्रमोशन हो गया एंड वहां के जो व्यापारी है वहां पर जो लोग इस चीज को ग्रो करते हैं उनके लिए अच्छा चीज हो गया एंड गोदावरी रिवर सेकेंड इज द रीजन ऑफ रायचूर दुआबली कंटेस्टेड एंड ब्लडी बैटल फोर्ट ऑफ रायचूर बिटवीन बहमनीस एंड विजय नगरा एम्पायर तो एक तो आपकी जोग्राफी हो गई और दूसरा स्टेटमेंट में आपका हिस्ट्री कवर हो गया सच एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन राइट तो यहाँ पे ये जो कृष्णा एंड गोदावरी दिया है दैट इज रॉन्ग बिकॉज रायचूर इज बिटवीन दैट ऑफ द कृष्णा एंड तुंगभद्रा इसके बीच में है एंड सेकेंड स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट द हिंदू है इसका सोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमिक related to that. टू दैट द वेरी फर्स्ट इट इज रिलीज बाई द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड twice a अयर साल में दो बार जो है इसको रिलीज किया जाता है किसके द्वारा आई एम एफ के द्वारा यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड दिया हुआ है दी डी पी ग्रोथ फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट सिक्सेंट कम्पेड विद द प्रीवियस एस्टिमेट ऑफ सिक्स परसेंट थर्ड है द रीजन बिहाइंड लोअर एस्टिमेटेड ग्रोथ इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड ड्रॉप इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स लोग जो है कम काम कर रहे हैं एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी इंक्रीज बेसिकली हो रही है यहां पर जो आई एम एफ है वो बेसिकली रॉन्ग था वर्ल्ड बैंक आएगा ठीक है टो आइसर यो येस दैट इज करेक्ट बट वर्ल्ड बैंक है in its global economic prospects report world bank explained that the slowdown is attributed slowdown is related to private consumption being constrained by high inflation and rising borrowing costs, borrowing costs जो है वो increase हो गया है and private consumption जो है वो एक तरीके से high हाँ inflation की तरफ लेते जा रहा है that is the reason behind that and further the report added unemployment declined to 6.8 percent in the first quarter, unemployment जो है वो basically decline कर दिया कर गया है 2023 के starting quarter में इसका जो कंटेक्स्ट मतलब जो इसका सोर्स है दैट इज मिंट तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस फ्रेम करे गए हैं वो वेरियस सोर्सेस को रेफर करके सो so ये बेसिकली आप लोगों के लिए एक अच्छा तरीका है टू रिवाइज ऑल द करंट अफेयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वरुणास्त्र वरुणास्त्र से से रिलेटेड है पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट इज दैट इट इज एन एंटी सबमरीन हाई लाइट एंटी सबमरीन लाइट वेट टॉपिडो एंटी सबमरीन है एंड लाइट वेट है हल्का है टॉपिडो सेकंड इज इट हैज मैक्सिमम स्ट्राइक रेंज ऑफ 40 किलोमीटर इसका जो स्ट्राइक रेंज है दैट इज 40 किलोमीटर एंड एंड इट कैन ट्रैवल एट स्पीड्स ऑफ मोर देन 70 किलोमीटर्स पर आवर एट अ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 600 मीटर्स थर्ड इज इट कैन नॉट ट्रैक इट कैन नॉट ट्रैक एंड इंगेज एनिमी सबमरीन्स इन नॉइजी अंडर वाटर एनवायरनमेंट्स ये ट्रैक नहीं कर सकता है और ना ही एंगेज कर सकता है एनिमी को अगर नॉइजी एनवायरनमेंट है तो लेट्स मूव ऑन टू दी आंसर सो यहां पे ये एंटी सबमरीन हैवी वेट टॉपीडो है ठीक है हैवी वेट है तो यहां पे क्या दिया हुआ था लाइट वेट तो इस वजह से हमारा जो ये वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो गया ठीक है यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट जो है वो राइट है ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि इट कैन ऑपरेट इन सच ए सिचुएशन द वेपन हैज बीन ज्वाइंटली डेवलप्ड बाई द नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी दैट इज एन टी एस एल एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड दैट इज बी डी एल इन दोनों के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है एंड इट हैज एन एक्टिव पैसिव अकोस्टिक होमिंग सिस्टम जिसकी वजह से दे कैन ट्रैक एंड एंगेज इस चीज की वजह से ये जो है दे कैन ट्रैक एंड एंगेज एनिमी नॉइजी अंडर वॉटर एनवायरमेंट सो नॉइजी अंडर वॉटर एनवायरमेंट होगा तो भी जो है ये ऑपरेट कर सकता है ट्रैक कर सकता है दुश्मन को Next question is related to optic fiber. The very first one is that the optic fiber is a type of wireless communication technology. Second is data is transmitted across optical fiber using electrical signals. Third is glass is used to make optical fiber, and the last one is that एक्लूसिव एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इज इन शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन अगर आप लोग ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक फाइबर जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन बेसिक भी होगी तो आप बहुत ईजली इसको आंसर कर सकते हो दिस इज़ क्वाइट ईजी उतना ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है सो so यहाँ पर बेसिकली आंसर क्या है ओनली वन ओनली वन स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन गलत क्या है देख लेते हैं यहाँ पे ये वायर्ड होते हैं ना कि वायरलेस हैं तो वो हमारा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया ऑप्टिक फाइबर ट्रांसमिट डेटा यूजिंग लाइट इलेक्ट्रिकल लाइट का बेसिकली ये यूज करते हैं दिस इज लाइक द ऑप्टिकल फाइबर का तो ये जो है लाइट यहां से ट्रांसफर होके इस तरीके से जो है अपनी स्पीड के साथ ये ट्रांसफर होती है इस तरीके से ये जाती है ओके सो दिस इज हाउ इट इज बंग दिस इज बिंग डन ना वेन इट कम्स टू द्लास तो ये ड्रॉइंग ग्लास से बने हुए हैं दैट इज द सिलिका ग्लास सिंपली लिख देने से आंसर जो है वो करेक्ट नहीं हो जाएगा कौन सा ग्लास है वो स्पेसिफाई करना इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर इस वजह से वो स्टेटमेंट भी जो है वो गलत है एंड इसका सोर्स क्या है इंडियन एक्सप्रेस क्वाइट इजी सो दिस वॉज इट रिलेटेड टू आर करंट अफेयर्स रिलेटेड एमसीक्यूज थोड़ा फास्ट हो जाता है क्योंकि आप लोगों को तो बेसिकली रिवाइज ही करना है है ना सो आई होप डैट यू लाइक डिट एंड डू वॉच अदर वीडियोज एज वेल और भी बहुत सारे वीडियोज जो है वो अपलोड हो रहे हैं तो उनको भी जरूर देखिएगा सो टेक केयर बाय एंड है ग्रेट टाइम